हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पापिया फ्रॉम एक्टिव प्लस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिक नी के बारे में। जितने भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशंस होता है, नी पेन की कंडीशंस होता है, वो क्यों पेन किलर इंजेक्शंस एंड सर्जरी से काम नहीं होता है, क्योंकि नी जॉइंट में मेकानो रिसेप्टर होता है जो कैसे स्टिमुलेट होगा, हम लोग जब मैकेनिकली उसको मूव करेंगे तब जाके स्टिमुलेट होगा, वो पेन किलर से ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग दिखाएंगे नी जॉइंट में मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन की हम लोग कैसे करते हैं। पेशेंट को सुपाइन में लेटाएंगे एंड दिस इज द अफेक्टेड नी। पेशेंट को बोलूंगी कि एक्टिवली वो नी फ्लेक्स करे। नी फ्लेक्स कीजिए and what I am doing, I am rotating the tibia internally। लंबा कीजिए, फिर से this। जितने भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिक के केसेस हैं, नी पेन के केसेस हैं, जो लोग पेन किलर लेके आप ठीक करना चाह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आप पेन किलर लेके ठीक नहीं कर सकते हो। अगर पेन किलर में आपको एक टेम्पररी आराम तो मिल जाएगा, पर आप एक परमानेंट वे कर लोगे, आपको फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। तो ऐसा कंडीशन हो या सिम्टम्स हो कि आपका ओए नी है या नी पेन हो रहा है, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ एंड कंसल्ट करो एंड ट्रीटमेंट लो। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा कि आप पहले से ही प्रिकॉशन ले रहे हो एंड ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड हमारे एक्टिव प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो।